देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो ये काफी बड़ा है इसलिए मैंने कुछ शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट लिख दिए इसमें। इसमें क्या है देखो, ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है ठीक है, जहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं, जो दौड़ होती है ना रस्सी वाली दौड़, वो खेल रहे हैं। इसमें एक लड़की निहारिका है और दूसरी लड़की कौन है, प्रीत है। एक लड़की निहारिका है और दूसरी लड़की प्रीत है। यहाँ पे एडी, देखो एडी हमें दे रखी है 100 मीटर और एक एक मीटर पे गमले रखे हुए हैं ठीक है। यहाँ पे एडी कितनी है 100 मीटर और एक एक मीटर पे गमले रखे हुए हैं। फिर जो ए बी है वो 10 मीटर है, यहाँ से तो 10 मीटर है और ये 100 मीटर है और एक एक मीटर पर पॉइंट बने हुए हैं। एक लड़की निहारिका है जो दूसरी लाइन से चलती है और एडी का 1/4 हिस्सा चलती है ठीक है। एडी कितनी है 100, तो पहले निहारिका की वैल्यू फाइंड कर ले कि कितनी डिस्टेंस कवर करती है ठीक है। तो देखो 1/4 ऑफ एडी कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखो 1/4 इंटू 100 ठीक है, ऑफ की जगह इंटू, एडी कितनी है 100, इसको डिवाइड किया तो ये कितनी आ जाएगी 25 मीटर 25, मतलब यहाँ पे जो निहारिका है वो 25 मीटर चलती है। फिर देखो प्रीत कितनी चलती है 1/5, तो 1/5 ऑफ एडी तो ये हो जाएगा 20 मीटर और जो प्रीत है वो यहाँ पे चलती है 20 मीटर ठीक है। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें देखो पी क्यू मतलब निहारिका और प्रीत के बीच की जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर लिए, तो मैंने इसको पी लेट कर लिया है। पी के कोऑर्डिनेट्स देखो ये तो हो जाएंगे 2, 25 है ना, एक्स एक्स वाली लाइन पहले लिखते हैं तो ये तो हो जाएगा 2 और वाई एक्स वाली लाइन बाद में 25। इसमें देखो ये तो 8 हो गए और ये हो गए 20, तो 8, 20 ठीक है, यहाँ पे 8 है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो देखो पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। फिर देखो एम वन और एम टू इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है ना, तो देखो डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस किसकी, पी क्यू की, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो एक्स टू कितना है इसमें, ये एक्स वन है, ये वाई वन, ये एक्स टू है, ये वाई टू, तो 8 - 2, तो यहाँ पे लिख दो 8 - 2 का स्क्वायर प्लस 20 - 25 का स्क्वायर ठीक है। 8 में से 2 गए 6, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 प्लस 20 में से 25 गए माइनस का 5 और उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। फिर आगे देखो यहाँ पे ये हो जाएंगे 6 और 5 11, 4 और 2 6, तो ये हो जाएंगे 61 यूनिट में कितनी दे रखी है मीटर, ये तो इनकी डिस्टेंस हो गई। अब देखो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू और सेकंड में क्या फाइंड करना है, पी क्यू का मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन में 2, वाई वन प्लस वाई टू अपॉन में 2 ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, एक्स वन कितना है 2 + 8, तो यहाँ पे हो जाएंगे 2 + 8 अपॉन में 2, ये हो जाएंगे 25 + 20, तो 25 + 20 अपॉन में 2, देखो ये हो जाएंगे 10 / 2, फिर देखो ये हो जाएंगे 45 / 2, आगे देखो 10 को 2 से डिवाइड किया 5 और ये हो जाएंगे 45 / 2। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो या इतना ही रखो, ये क्या हमारा आंसर है इसका।